हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी लेकर आई हूँ। होली पर हम राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश खोया कचौड़ी बना रहे हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने 250 ग्राम खोया लिया है, जिसे हमने कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह भुना है। इसका कलर चेंज हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए किनारे रखेंगे। 2 कप मैदा लेंगे, 1 कप ये दूसरा कप। 2 कप मैदे में हम 1/4 कप, इससे आप नाप लें, 1/4 कप हम घी का डालेंगे। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर पानी डालकर गूंधेंगे। घी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आप मोयन चेक करने के लिए इस तरह देखें, आपका मोयन परफेक्ट है। अब आप इसमें पानी डालकर गूंधें। हमने सॉफ्ट गूंध लिया है, अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी का, खोआ 250 ग्राम था, इसमें हम 1/2 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पर यह ध्यान रखें कि खोआ पूरी तरह ठंडा होना चाहिए, हल्का भी गर्म नहीं होना चाहिए। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर का डालेंगे। बारीक चॉप किए हुए काजू और बादाम हम डाल रहे हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। आटा हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है, अब हम इसमें से छोटी छोटी, जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे भी छोटी हम लोई लेंगे और इसे अच्छी तरह फैलाएंगे और इसके बीच में हम थोड़ा सा खोआ भरेंगे। जैसे हम कचौड़ी के लिए आलू भरते हैं उसी तरह हमने इसमें खोआ भरना है। ये हम चाशनी की भी तैयारी करते हैं। 1 कप हमने चीनी ली है, इसका 1/2 कप हम पानी लेंगे। 1/2 कप पानी, इसे खौलने देंगे अच्छी तरह। इसे अच्छी तरह खौलने देंगे, हमने 1 तार की चाशनी बनानी है। बनाकर किनारे से रखेंगे ठंडा होने के लिए और कचौड़ी तलेंगे। कचौड़ियाँ हमने बना ली हैं, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, इतनी मोटाई हमने रखनी है। ऑयली ऑयल गर्म हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आटा डालकर। इसे निकाल दें, अब इसके बाद हम कचौड़ियाँ डालेंगे। आँच हमने मीडियम कर देनी है और एक एक कर कर डालनी है, जितनी कढ़ाई में डल सकती हूँ। मीडियम आँच पर ही सेकना है। अभी कचौड़ियाँ हमारी अच्छी तरह सिक चुकी हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे। हमने 1 तार की चाशनी बनाई थी उसमें ये कचौड़ियाँ डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ी देर डूबा हुआ रहने देंगे। इस तरह हमने थोड़ी देर इन्हें छोड़ देना है। हमारी ट्रेडिशनल राजस्थानी खोआ कचौड़ी बनकर तैयार है। इस होली पर आप भी ज़रूर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।